गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन से बनेट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेवंथ फेज को लेकर के, सातवें चरण को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सातवें चरण की नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट या तो फिर आपका अगस्त फर्स्ट वीक में आने जा रहा है दोस्तों। तो अब इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं कि आखिर अब सेवंथ फेज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों और भी आपके कई मुद्दे हैं, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। और आपके जो भी मुद्दे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके जितने भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि सेवंथ फेज में सबसे पहले आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेवंथ फेज है, सातवां चरण आपका बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, और इसमें आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से रेडी रखें, एट ए टाइम आपको किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। जब फॉर्म फिल करने के लिए जाइए तो वहां पर भी किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो, आप आराम से स्मूथली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग को मालूम है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक चाहिए। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी सेवंथ फेज के लिए, इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे सेवंथ फेज है, इसके साइड में लिख दिया आप मैंने कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको यहाँ पे जरूरत होगी सेवंथ फेज में। तो सबसे पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों। अब शैक्षणिक में क्या आता है, प्रशैक्षणिक में क्या आता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो आपका जो भी आपका प्रमाण पत्र होता है, रेसिडेंशियल होता है, इनकम होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में। तो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए टेंथ का आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये टेंथ का सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, टेंथ के लिए आपको टेंथ का मार्कशीट भी चाहिए और वही टेंथ का आपके पास ये क्या होता है सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, ठीक है ना। टेंथ का मार्कशीट, ये मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट, ये आपके पास सबसे पहले हो जाना चाहिए। देखिए सेकेंड पॉइंट जो आपका होगा उसमें क्या चाहिए, इंटर का चाहिए। आप जो इंटर करते हैं या तो फिर 12th करते हैं तो इस 12th का आपको चाहिए क्या, मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, और मार्कशीट के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका टेंथ का और इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, और टेंथ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, इंटर का भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आपका आता है ग्रेजुएशन का। ये जो आपके पास ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का आपके पास होना चाहिए, वही मार्कशीट होना चाहिए और ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप 1-5 के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, यदि आप सिर्फ 1-5 में सीटेट पास है, ठीक है, आप 1-5 में सिर्फ जाना चाहते हैं तो आपको वहां पे सिर्फ 10th और ये आपका 12th चाहिए, ठीक है ना, 10th और 12th। और यदि आप स्नातक लेवल के लिए हैं तो आपको स्नातक का चाहिए, यहाँ पे मार्कशीट भी चाहिए और आपके सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है ना। इतना चीज आपके पास होना चाहिए सबसे पहले, ये शैक्षणिक डिग्री में ये चीज आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें होता क्या है कि आपके पास सारी डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन इसमें से एक डिग्री जो होता है वो आपके पास जो नहीं होता है वो है ये आपका सर्टिफिकेट नहीं होता है ग्रेजुएशन का दोस्तों। आपका टेंथ का मार्कशीट भी आपके पास होगा और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपके पास होगा। यदि हम लोग इंटर की बात किया जाए तो इंटर का मार्कशीट भी आपके पास होगा और सर्टिफिकेट 90% लोगों के पास होगा, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो जिनके पास नहीं है वो अभी आपके पास समय है, आप जहां से भी 12th किए हैं, ISC किए हैं, इंटर किए हैं, जो भी किए हैं कॉलेज से या किसी भी स्कूल से, KBC जहां से भी किए हैं, आप वहां से जाकर उसको ले ले, बहुत जरूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो आपके पास होगा लेकिन ये आप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा। अधिकांश ऐसे होंगे
अधिकांश ऐसे होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपके पास पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड तीनों का मार्कशीट भी चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल डिग्री जो आती है उसको, वो तुरंत नहीं आता है, बाद में आता है, 6 महीना 1 साल का समय लग जाता है, और कई कई तो यूनिवर्सिटी में आकर के रखा होता है, लोग लेने नहीं जाते हैं। तो अभी तक आपके साथ यदि ऐसा है तो आप इसको लेकर के आ जाइए दोस्तों। तो ये चाहिए। अब रही बात, तीसरा बात हम लोग बात करते हैं प्लस शैक्षणिक डिग्री। ये आपके शैक्षणिक डिग्री में इतनी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब प्रशैक्षणिक डिग्री के बारे में। तो प्रशैक्षणिक की बात करते हैं तो यदि आप बीएड किए हैं, बीएड हो या तो फिर आप डीएलएड हो, ठीक है, बीएड हो या तो आप डीएलएड हो, तो आपके पास डिग्री भी चाहिए और इसका मार्कशीट भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है ना। आप बीएड किए हुए हैं, 2 साल का है, 1 साल का है, तो आपको उसका मार्कशीट भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो डिग्री बन करके आती है उसको डिग्री आने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। आपको अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में और उसके बाद ये डिग्री आपको दिया जाता है दोस्तों। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। यदि ये आपके पास बीएड का ओरिजिनल डिग्री नहीं होगा तो समस्या होगी। यदि आपके पास नहीं है, आप अभी जा करके अपने जो जहां से भी आपने बीएड कराया है, जिस भी यूनिवर्सिटी से, आप वहां से ले लीजिए। वही है, डीएलएड में भी है, जहां से आप किए हैं आप वहां से ले लीजिए। एक प्रोसेस होता है, छोटा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके जो मार्कशीट वगैरह है उसको लेकर के, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है उसको लेकर के, आधार कार्ड उसमें अटैच करके, और आपको जाना होता है अपने कॉलेज में, और कॉलेज से वहां पे एचओडी सर की तरफ से फॉरवर्डिंग करवानी होती है, और उसको लेकर के आपको जाना होता है अपने यूनिवर्सिटी में, और आप अपने यूनिवर्सिटी में ले जा करके वहां पे जमा कर दीजिए। 2-3 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर वो डिग्री आपको बन करके आ जाती है दोस्तों। कहीं कहीं पे ज्यादा समय भी लगता है और कभी कभी 2-3 महीने के अंदर भी आ जाता है, नहीं तो 6 महीने के अंदर लगभग लगभग डिग्री आ जाती है। हो सके आपको कई बार यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़े, कई बार जाना पड़े इस काम के लिए, लेकिन इस काम को आप करवा ले। यदि अभी आपका फॉर्म फिल होना है, फॉर्म फिल होने में आपका चल भी जाएगा, लेकिन काउंसलिंग के टाइम में आपको जरूरत होगी दोस्तों। काउंसलिंग के टाइम पे यदि आपके पास बीए डीएलएड की डिग्री नहीं है तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। हालांकि प्रोविजनल मिल जाती है, प्रोविजनल से भी काम चलता है, लेकिन डिग्री भी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। प्रोविजनल का जो वैल्यू होता है वो 6 मंथ का ही वैल्यू होता है। पिछली बार आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 6th फेज में ऐसा ही कुछ हुआ था, लोगों की प्रोविजनल का जो वैलिडिटी थी वो समाप्त हो गया था और डिग्री आई नहीं थी, 2-3 सालों से लटका हुआ था यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से। तो टेस्टमोनियल बनवाया गया था, टेस्टमोनियल को अलाउ किया गया था। प्राइमरी डायरेक्टर रंजीत सर थे, जब उनसे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने टेस्टमोनियल को अलाउ किया, और साथ ही साथ प्रोविजनल पे कि आप अपने चोरी से आपके यहाँ जो भी विभाग में बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार सर हैं या जो भी हैं, वो उस पर सिग्नेचर और साइन करके आपको दे देंगे, तो हम लोग उसको मान्य करेंगे। ये वैकल्पिक व्यवस्था किया गया था 6th फेज में दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आपके 7th फेज में भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, हो सके कि ऐसी कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग 3-4 सालों से इस बहाली के लिए संघर्षरत हैं। तो क्या आप 3-4 सालों से इस बहाली के लिए एक डॉक्यूमेंट से एक अपनी डिग्री नहीं निकाल पाए? तो ये हो सकता है, मे बी कि आपसे वहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है। जब 4 साल से आप मेहनत कर रहे हैं इस बहाली के लिए, 7th फेज के लिए लगे हुए हैं, तो क्या 4 साल में आपको एक डिग्री नहीं मिला? तो ये चीजें हो सकती है। तो शायद आपको टेस्टमोनियल को अलाउ ना करे या प्रोविजनल को मान्य ना करे, तो डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप लोग अभी से जिनके पास है वो तो बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं है तो भी अपना बीएड और डीएलएड का डिग्री निकलवा ले दोस्तों। ये हो गई आपकी शैक्षणिक हो गई और प्रशैक्षणिक हो गई। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत होगी। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी दोस्तों वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा, वो आपको रेसिडेंशियल की आपको जरूरत होगी, ठीक है ना। ये प्रमाण पत्र है, ये रेसिडेंशियल को आपकी यहाँ पे जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख लीजिए रेसिडेंशियल है, और रेसिडेंशियल के बाद आपको जरूरत होता है तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे जरूरत हो जाएगी, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। नेक्स्ट आपको जो देखना होगा वहां पे, रेसिडेंशियल आपका हो गया, इनकम आपका हो गया, और ये आपको कास्ट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बनवा लेना बहुत ही जरूरी है, आपको ब्लॉक लेवल से बनवा लेना है। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए,
ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी उन्हें बनवाना जरूरी है, रेसिडेंशियल भी बनवाना जरूरी है, आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना जरूरी है और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना जरूरी है। यही में जो कैंडिडेट्स, जो शिक्षक अभ्यर्थी बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, बीसी से हैं और या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए जरूरी है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बनवाना जरूरी है दोस्तों। ये आप बनवा लीजिए, इनके बिना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं होगा और अपने कास्ट का आप चाहते हैं कि आपको फायदा मिले, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए ये एनसीएल आपको बनवाना बहुत ही जरूरी है। आप बीसी कैटेगरी से हैं या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको एनसीएल बहुत ही जरूरी है, आप एनसीएल यहाँ पे बनवा ले। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले, तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना बहुत ही जरूरी है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, साथ ही साथ इसके साथ आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको आधार कार्ड यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इतने सारे डिग्री के साथ ही ये आधार कार्ड आपको बहुत जरूरी है, और जो आपके नाम वगैरह जो भी आपके इस सारे सर्टिफिकेट में है वही चीज आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले जो अनमेरिड थे बाद में शादी हो गई, उनके आधार कार्ड बना हुआ है, तो आजकल जो फैशन चला हुआ है ना कि अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड का नाम जोड़ने का, तो इस तरह से लोग आधार कार्ड बनवा लिए हैं, आप उनको सुधार करवा लीजिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट में आपके सारे नाम वगैरह हैं वो सारे नाम आपके आधार कार्ड में भी वही वही होना चाहिए। वो फैशन है, उसको फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वहीं तक रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में भी लेकर के आइएगा तो फिर समस्याएँ आपके साथ होगी दोस्तों। आइडेंटिटी के लिए आपके साथ आधार कार्ड लिया जाता है, तो आधार कार्ड आपके पास मस्ट है कि आपके पास होना ही चाहिए, और नाम स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें कोई समस्या ना हो। कि अपना नाम भी जोड़ लिए, उसमें हस्बैंड का भी नाम जोड़ लीजिए। आपका टेंथ का सर्टिफिकेट देखा जाएगा तो उसमें सिर्फ आपका अपना नाम है और आधार कार्ड में आपका नाम और साथ में आपके हस्बैंड का नाम है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा किन्हीं के पास भी है तो लोग सुधरवा लीजिए, नहीं तो बाद में समस्याएं होंगी, कई लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं, तो इस चीजों को आप लोग सही करवा लीजिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास रहेंगे तो किसी भी तरह का कोई समस्या आपको नहीं होगा और आप आराम से अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और भी दो क्वेश्चंस आपके पास होंगे, क्वेश्चंस को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आप संसद मैनेज के साथ में। धन्यवाद।